कराकरम के पहाड़ों में कई गैर मामूली तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जबकि कई दास्तानों तक महदूद रह गई हैं और बच जाने वाली इमारतें तारीखी विरसा हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तारीखी इमारतों में बहुत सारे पुराने किले शामिल हैं, जिनमें अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, कला शिगर, कला खरपचो, खपुलो पैलेस और चकचंद मस्जिद नुमाया है। स्कर्दू शहर से 40 मीटर की बुलंदी पर दरियाए सिंध के किनारे एक पहाड़ी पर वाकई खरपचो को कला स्कर्दू भी कहा जाता है, जहां से दरियाए सिंध और स्कर्दू शहर का नजारा नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत लगता है। कला खरपचो कदीम फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। कले को इब्तिदा में मकबून खानदान के नामवर राजा बुखा ने तामीर किया था, जिसके बाद 16वीं सदी में अली शेर खान अंचन ने इसे तोसी दी। कले का अंदाज तामीर जाहिर करता है कि इसे रिहायशी मकसद की बजाय दिफाई मकसद के लिए तामीर किया गया था। अपने फन तामीर, दुश्वार गुजार रस्तों और हैरत कदों की वजह से इसे कलों का बादशाह भी कहा जाता है। तारीख दानों के मुताबिक किले के दरमियान एक 7 मंजिला महल तामीर किया गया था, जिसके सामने पानी का होज था। खुराक जखीरा करने और असलहा रखने के लिए पहाड़ काट कर कमरे बनाए गए थे। किले में एक आलीशान मस्जिद, सिपाहियों के लिए बैरकें और एक जिंदान भी मौजूद था। मुकामी लोगों के मुताबिक इब्तिदा में किले तक रसाई के लिए सिर्फ जेर जमीन रास्ता बनाया गया था। महल में मुख्तलिफ अकसाम के संगमरमर का काम इस करीने से किया गया था कि देखने वाले हैरत में मुब्तला हो जाते। किसी जमाने में किला खरपचो नाकाबिले तस्खीर था। ताहम 1840 में डोगरा फौज के हमले के बाद किले में गुमसान की जंग हुई और फिर इसे आग लगा दी गई, लेकिन खरपचो अहम दिफाई मोर्चे के तौर पर नाकाबिले तस्खीर रहा। मुतादिद गैर मुल्की सयाहों ने अपने किताबों में खरपचो का तस्किरा करते हुए इसके फन तामीर को खूब सराहा। ये किला आज भी बल्तिस्तान के माजी की अजमत रफ्ता के गवाह के तौर पर मौजूद है।